फाइनली फ्रिज आ गया। कल ऑर्डर देके आए थे, आज आ गया। इतना पुराना फ्रिज हो गया था वो, फिर भी अभी बिगड़ता नहीं। अगर दीदी उसको चक्कू से मार, अरे यार जाएगा भी नहीं क्या गेट में? गेट में जाएगा ना अंदर? हाँ, अभी ये बड़ा फ्रिज लिए, डबल डोर का गोदरेज पकड़े हैं। इसको पहले ओपन करिए, किधर क्या है उस हिसाब से फिर। कैंची कहाँ है? कैंची निकालना है। अरे अंतवारा से गई थी मैं। इतना बड़ा है। पहले वाले फ्रिज के ऊपर मैं ये रखी थी माइक्रोवेव, अभी ये कहाँ रखाएगा? कलर ब्लू पसंद किए थे ना हम लोग। ये क्या है? सब श्रेया को से कल बंगार बेचने को मिलेगा। अरे वाह, उठाओ ऊपर। लेकिन उतना ऊपर तक वो उठेगा कैसे? कहाँ फोल्ड करेंगे? नहीं जाएगा ऊपर, वो एकदम टच हो गया। आप क्या कर रहे हो? उसको कर रहे हो फाड़ो मत, खुद क्या कर रहे हो? खींच पुतुल उधर से खींच। ये थैली रखो नमकीन डालने के लिए। ये ऐसा ही वो था थैली, ये देखो बहुत अच्छा थैली हो गया नमकीन के लिए बड़ा सा। अब बस इधर से उधर घुमा दीजिए बस। हाँ हाँ, वो तो चाबी देके गया है ना। अरे वो क्या चाबी था ना, उसको कहीं था। ये स्टैंड पे नहीं आएगा? ये बड़ा है क्या उससे? आ गया भैया फ्रिज। चलो मिठाई विठाई खिलाओ जरा। ओ ठाकुर साहब, मिठाई खिलाया। फ्रिज कौन लाया? आप लाए? नहीं, जाओ उसका खोलो और मिठाई खिलो। नहीं नहीं नहीं, क्या पैसे नहीं खुलेगा? लॉक है। हाँ तो ये हटाओ ना। जबरदस्त। एक मिनट ये भी खोलते हैं। कब से मैं सोच रही थी बिगड़े तो दूसरा लाऊं, वो बिगड़ ही नहीं रहा था, इतना कूलिंग हो रहा था। चाबी इसके अंदर ही है, ये रहा चाबी। तो भैया आ गया फ्रिज। चलो मिठाई खिलाओ, इसके बाद सुबह फ्रिज ऑन होगा। चलिए सेटिंग वेटिंग करते हैं और हम वीडियो को एंड करते हैं। आज तो मेरा पूरा टाइम खराब हो गया। मैंने ही मोबाइल में वीडियो देख करके अंधेरी वेस्ट में आ गई कि यहाँ पे सेल लगा हुआ है और पार्लर का बहुत ब्रांडेड प्रोडक्ट सारा 50% डिस्काउंट में मिल जाएगा। लेकिन यहाँ पे आने के बाद पता चला कि यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ कपड़े मिल रहे हैं, लेडीज़ जेंट्स, और जूते चप्पल हैं, सैंडल है, ये सारी चीज़ें। मुझे मेन लेना था, देखिए यहाँ पे जूते चप्पल सैंडल वगैरह है लेडीज़ का, तो मुझे लेना था कॉस्मेटिक सामान, वो तो मुझे मिला नहीं। तो मैं बोली इतना दूर से आई हूँ तो कुछ तो ले ही लूँ। तो फिर मैं यहाँ से ये देखिए ये दोनों चप्पल, एक जूती और एक सैंडल ले ली, क्योंकि बहुत प्यारा था। हाँ ब्रांडेड तो था, सारा चीज़ ब्रांडेड था, 600-600 का सेल लगा हुआ था।
और कुछ कपड़े वगैरह भी एक दो ली में, और अब हम लोग निकल गए हैं बाहर। बाहर देखिए, बाहर तो ऐसा दिखा रहा है 80% डिस्काउंट, लेकिन हाँ इतना भी कम दाम में नहीं था। कोई भी टी शर्ट या कोई भी ड्रेस जो है 800-600 से नीचे का कोई टी शर्ट नहीं था। पता नहीं क्या इन लोग का सेल था, कितना महंगा ब्रांडेड था मालूम नहीं। और अब हम लोग यहाँ से निकल गए, जा रहे हैं स्टेशन, और सामने ही हम लोग को बस मिल गई। और सबसे अच्छी चीज़ यहाँ पे ये रहता है ना कि बस का टिकट जो है सिर्फ 5 रुपया लगता है, सिर्फ 5 रुपये में आप स्टेशन पहुँच जाएंगे। और फाइनली अब मैं स्टेशन पे भी आ गई हूँ, देखिए अब मैं आ गई स्टेशन पे और अब हम लोग पहुँच रहे हैं। ट्रेन का टाइम भी हो गया, 2 मिनट बाकी है, तो फटाफट पहुँचते हैं, ट्रेन पकड़ते हैं और चलते हैं नाला सोपारा। इतनी गर्मी है, इतनी गर्मी है, इतना धूप है ना कि हमको लग रहा है कि यार क्यों मैं आई थी इतना दूर, कुछ मतलब ही नहीं निकला, कुछ मतलब नहीं निकला इतना भीड़ भाड़ में, और वो भी दोपहर में 1 बजे। मैं सोची ट्रेन खाली रहेगा, दीपू को भी ऑफिस से थोड़ा सा टाइम निकाल के आ जाएंगे, लेकिन पूरा एकदम टाइम बर्बाद हो गया यार, कुछ मतलब ही नहीं निकला। जिस चीज़ के लिए गई वो मिला ही नहीं। पूछा गया, हम लोग पूछे क्यों नहीं है, आप लोग तो कॉस्मेटिक का भी डालिए, बोले अभी स्टॉल नहीं लगा हुआ है, स्टॉल कल लगेगा। तो फटाफट हम लोग पहुँच रहे हैं, दीपू कह रहे चलो जल्दी ट्रेन आने वाली है, और फाइनली हम लोग को ट्रेन भी मिल गई है। और अब भी मैं देखिए पहुँच भी गई, भाईंदर पहुँच गई, अंधेरी से आ गई भाईंदर। ये है भाईंदर की खाड़ी। इतना बाप रे, इतना धूप है, इतना धूप है कि पूछिए नहीं। और आजकल जो मोबाइल का नशा चढ़ा है ना हर किसी को, सारे लोग अपने अपने मोबाइल में बिजी। दीपू इधर जेंट्स वाले में, हम लोग आजू बाजू में ही है, एक साइड में वो, एक साइड में मैं लेडीज में, वो जेंट्स में। बस बस ही भी हम लोग पहुंचने ही वाले हैं और इसके बाद हम लोग उतर जाएंगे। इतना प्यारा लगता है ना इधर पूरा ग्रीन ग्रीन। और ये देखिए इनकी हालत पूरा बेचारी, तुमने देखी हाथ में भी चोट लगा था, पैर में भी चोट लगा था, इतना धूप था, लेकिन फिर भी उसे सो रही थी। और फाइनली अब मैं आ गई स्टेशन पे नाला सुपारा। और यहाँ पे आती हूँ ना तो मुझे एक चीज बहुत प्यारा लगता है, देखिए ये कबूतर लोग इतना एक लाइन से बैठे रहते हैं। और बाबू के लिए मैंने लाया चश्मा, कपड़ा बाबू का चश्मा पहन। ओए 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 बाबू, ये मेरा हीरो, अरे ये मेरा हीरो, आ जा चश्मा निकल गया, जा लगा लो, ऐसे लगा लो, चश्मा लगा लो बाबू, चश्मा लगा लो। अरे वाह भाई वाह, बाबू मेरा सर पे चश्मा लगाएगा, लगाओ उसको चश्मा लगा दो। और ये लिया मैंने सैंडल, इतना ही ले कटवाना पड़ेगा। ये है पुतुल के लिए सैंडल, बहुत खूबसूरत लग रहा था मुझे ये। हाँ बाबू चश्मा लगाएगा, लगाओ का चश्मा तेल लगा लगा ये ये आ निकाल। कौन दिख रहा है भाई? आ जाओ जाओ जाओ, चल के जाओ, चल के जाओ जाओ, उसको दिख ही नहीं, जाओ। सोच रहा क्या है अब लगाएगा कपार फिर। चलिए चाय पिए जाए पार्लर, दिखाओ ऐसे दिखाओ, ए रखो सीतल। इसका पैटर्न मुझे बहुत प्यारा लग रहा था, बहुत खूबसूरत लग रहा था, तो ये मैंने लिया पुतुल के लिए और वो मैं ली खुद के लिए। और बाबू के लिए कपड़ा भी लाई हूँ, और एक ये मैंने पैंट लिया है दीपू के लिए, और एक चश्मा देख रहे हैं। ओए भाई चश्मा लगा के हीरो आ रहा है, आ जाओ आ जाओ, इधर आओ इधर आओ। चश्मा उसको चलने को नहीं हो रहा है। तो यहाँ पे बाबू मेरा करवा रहा है हेड मसाज, इसके बाल में ना इतना डैंड्रफ हो गया है, मैं सारा डैंड्रफ रिमूव कर रही हूँ। क्या बाबू,
ओए लल्ला मचा रहा है। How are feeling now, Babu? अच्छे से नहीं कर रही है मौसी, अच्छे से नहीं हो रहा है क्या? उसको अभी मजा आ रहा है। बाबू ओए हेड मचा से नहीं अच्छा हुआ क्या भाई? फिर से कर देते हैं, फिर से थोड़ा और कर देते हैं।